गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ के सॉल्यूशन का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी 1150 तक का फुल सॉल्यूशन बिल्कुल फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ देख चुके होंगे। यदि कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, आज हम उससे आगे देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का बारीकी से सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले, नहीं तो एग्जाम में बहुत परेशानी हो सकती है जिस तरीके से कैलकुलेशन पूछे जाते हैं। और हमारे साथ आप बने रहिएगा तो इसी प्रकार से 3200 का भी सॉल्यूशन प्लस रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आपको मिलते रहेगा, जिससे कि आप सभी लोग अपने ही चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी को जोड़ते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार आगे जितने भी आपके पास दोस्त के ग्रुप हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जैसे भी हो, सभी को आप सेंड करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1151। अब देखिए ये जीपे का क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी, आप पढ़े होंगे, सुने होंगे ना, के पहले तीन पदों के योग और पहले छह पदों के योग का अनुपात 125:152, तो जीपी का सामान्य अनुपात। पहले तो ये जान लीजिए कि जीपी के एन पदों का योग, जीपी के एन पदों का योग एसएन बराबर होता क्या है, तो एसएन बराबर होता है ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन वटा आर माइनस वन, ये होता है। एक वन माइनस आर भी होता है, लेकिन वो तब होता है जब आर का मान एक से छोटा हो, लेकिन जनरली रूप से आपका जब आर का मान एक से बड़ा, तो बोले सर यहां तो कंडीशन नहीं दिया, लेकिन रेशियो के अनुसार आपको यही लेके चलना है। तो यहां पर देखिए, प्रथम तीन पदों का योग और छह पदों का योग, तो प्रथम तीन पदों का योग और मतलब तीन पदों का एस थ्री बटा एस सिक्स फॉर्मूला, तो ए तो रहेगा ही चूंकि पद तो दिया हुआ नहीं, बट इंटू आर पर पावर, तीन पद है तो एन के जगह तीन माइनस वन बटा आर माइनस वन लिखेंगे, और नीचे भी आर माइनस वन तो वो कट ही जाएगा। फिर छह पदों का योग ए इंटू आर पर पावर छह माइनस वन, दोनों में आर माइनस वन कट जाएगा, इसका रेशियो दिया हुआ है 125 और बटा 152। तो हम सभी से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सामान्य अनुपात यानी सर्वानुपात यानी आर का मान क्या है, आर होता है कॉमन रेशियो सर्वानुपात। तो यहां पर देख लीजिए ए से ए कैंसिल, यहां देखिए इसको आर क्यू माइनस वन ये तो रहेगा ही, इसको आर क्यू का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर यदि हम लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टूट जाएगा, आर क्यू माइनस वन इंटू आर क्यू प्लस वन, देख लीजिए इतना ही आ जाएगा बराबर 125 बटा 152। अब देखिए माइनस वाला कैंसिल हो गया, इसको उलट देंगे तो वही उलट जाएगा, आर क्यू प्लस वन तो बराबर वो भी उलट गया 152 बटा 125, ये प्लस वन उधर जाएगा माइनस वन, आर क्यू बराबर 152 बटा 125 माइनस वन, घटाएंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 125, 125 उधर एक में गुना होगा, 152 में 125 घटेगा, बचे कितना 27, यानी फाइनली आर क्यू बराबर बच गया 27 बचेगा 27 बटा 125, यानी हम लोग कह सकते हैं कि आर क्यू बराबर 27 बटा 125, तो आर बराबर हो जाएगा 3/5, क्योंकि तीन का क्यूब है कितना का 5 का क्यूब है, यानी फाइनली जो सामान्य अनुपात है सर्वानुपात कॉमन रेशियो जीपी का वो आया 3/5। ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1152। अब जरा इस क्वेश्चन को सुधार लेना है, दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 120, ये गलत है, यहां पे लघुत्तम होना चाहिए, लघुत्तम संवर्तक 120 और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है, तो दो संख्या है वो x को y ले लीजिए, क्लियर है, इनका महत्तम उनके वर्गों का योग माने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 289, और इनका लघुत्तम संवर्तक यदि बोला जाए तो एक्स बाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई कितना है 120। तो बोल रहा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो बताइए यहां पे देख लिए एक्स इंटू बाई बराबर 120, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 289, एक्स बाई को क्या ले, क्या ले कि स्क्वायर करके जोड़ने पर 289 और गुना करके 120, तो बोले सर ये तो 15/8 में आ रहा है, 15/8 120, और 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर हो ही रहा है 289, 64, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 जोड़ेंगे 289 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 15 और y का मान 8, दोनों का योगफल 15 और 8 23, ये फाइनली आंसर हम लोग का 23 आया, गलती से महत्तम संवर्तक लिखा गया है 120, यहाँ पे लघुत्तम संवर्तक होना चाहिए, तो हम लोग का आंसर होगा 23, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1153, बहुत इजी क्वेश्चन,
फलों की एक टोकरी में 52% लीची है, 48% कीवी है। कीवी एक फल है। यदि वे संख्या 50 है तो लीची और कीवी का अनुपात, जब अनुपात ही पूछ रहा है, परसेंट दिया हो तो संख्या से क्या मतलब है, बोला लीची और कीवी का अनुपात, लीची कीवी, लीची और कीवी का अनुपात, लीची कितना है 52% और कीवी कितना 48%। ऐसे भी कोई भी राशि अपने आप में सौ होता है, जिसमें एक हो गया 52 तो दूसरा 48 ही होगा, परसेंट से काट देंगे, 4 से 13 चौके 52, 12 चौके 48, 13:12 तो हो ही गया। अब संख्या भी लेके चलेंगे तो फिर तो काट के इतना ही होगा, परसेंटेज से ही रेशियो निकल गया, हम लोग का आंसर हो गया 13:12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1154 कह रहा है क्या कि एक्स का वह न्यूनतम मान जो 50/(x-14) को एक पूर्णांक बनाता है, क्या बनाता है पूर्णांक, आपको यह नहीं बोला कि धन पूर्णांक बनाता है या ऋण पूर्णांक, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरा संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ x का क्या मान रखे, तो ऑप्शन से रख दीजिए, यहाँ सबसे न्यूनतम -36 है, -36 यदि हम रखते हैं तो -36 और -14, ऊपर 50 और नीचे -50, कट के आ गया तो इसका मान आ गया -1 एक पूर्णांक है। अब इससे छोटा कोई ऑप्शन में मान ही नहीं, -36 रखने पर पूर्णांक आ ही गया, तो इसलिए x का सबसे छोटा मान क्या हो गया ऑप्शन के अनुसार -36, जिसको रखने पर इसका पूर्णांक मान हो जाएगा, तो -36 ऑप्शन से हम लोग रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1155 बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने लायक है। कह रहा है त्रिभुज के तीन भुजाओं की लंबाई, कोई भी त्रिभुज, चूंकि भुजा से पता चल रहा है विषमबाहु त्रिभुज, 8, 13, 15, तो बोल रहा है क्या कि इनके परस्पर पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो एक जान लीजिए, एक बार पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात जो होता है सीधा उल्टा हो जाता है किसका, तो ये भुजाओं का, बोले वो कैसे सर, जैसे देखे शीर्ष लंब इसको कहते हैं, यहां से एक लंब डाले, यहां से एक लंब डाले और एक यहां से लंब डाले, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, भुजा दिया होता कितना 8, 13, 15, ये भुजा है। हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 पहले 8 है, ऊंचाई मान लिया जाए h1 आप लिए, फिर चूंकि त्रिभुज तो वही है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार आप लिए 13, ऊंचाई h2 लिए, फिर 1/2 गुना आधार 15 और ऊंचाई h3 लिए। देखिए 1/2 कैंसिल, अब देखिए सब बराबर हो गया, और जब बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, h1 h2 h3। बोले सर इतना लिखने की क्या जरूरत है, ताकि आपको याद रह जाए कि जब भुजाओं का दिया रहे एक ही त्रिभुज में तो उसका कोफिशिएंट उलट जाता है, जब पूछेगा शीर्ष लंब तो उल्टेगा, तो 1/8 1/13 1/15। अब देख लीजिए सीधा तरीका अपना लीजिए, आप हरों का एलसीएम से गुना करते हैं, यहां देखिए 15, 13, 8 कैल्शियम गुना हो जाएगा, 8 है तो 13 × 15 = 195, यहाँ 13 है तो 15 × 8 = 120, 15 × 13 = 104, यानी फाइनली हम लोग का आंसर जो आएगा 105, यानी कि उनके शीर्ष लंबों का अनुपात 195:120:104, ऑप्शन में दो ऑप्शन नंबर सी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि भुजा दिया रहे और उसी के शीर्ष लंबों का अनुपात पूछा जाए तो सीधे भुजा को उलट देना है, 8 × 1/8, 13 × 1/13, 15 × 1/13 क्यों उलट जाता, क्योंकि क्षेत्रफल तो हर तरीके से अपने आप में बराबर ही होगा, और रेशियो पढ़े होंगे 2 या 2 से अधिक राशि बराबर तो कोएफिशिएंट क्या होता उलट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1156, अब देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने, मतलब टोटल छात्र हैं जो 85 हैं, उसमें 40 छात्र ने 50% से कम अंक अर्जित किए, 50% से कम, कितना छात्र 40 छात्र 50% से कम, बोल रहा है 50% से कम अंक प्राप्त किए, उसके बाद बोल रहा है क्या 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, मतलब 50 से कम वाला और 50 या उससे अधिक वाला का रेशियो, तो आप ही बताइए टोटल विद्यार्थी कितना है 85, 50% से कम लाने वाला कितना है 40, तब बचा कितना 85 में 40, तो बचा कितना 45, बाकी जो बच गया 45 काट दीजिए, 8 × 40 = 9 × 45, यानी कि 50 से कम और 50 या उससे अधिक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात जो है 8:9 है, 8:9 आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1157, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पी के आयु क्यू की दुगनी है,
पी के आई क्यू की दुगनी है, मतलब ये तो ये दो का प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान। पांच साल बाद उनकी आयु का योग 70 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। इसमें तो रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है, बोल रहा है क्या कि पांच वर्ष बाद योग कितना है, 70 है, तो इसलिए वर्तमान योग क्या है, वर्तमान योग। एकदम सिंपल तरीका, इसमें रेशियो से मतलब नहीं है, दुगना तिगना से। देखिये पांच साल बाद योग होगा 70, तो वर्तमान पांच साल बाद से वर्तमान आना है, तो पांच घटेंगे, तो पांच पांच बाद दोनों में घटेंगे, तो योगफल में कितना घटेंगे, 10 घटेंगे, यानी वर्तमान में योगफल हो जाएगा 60 वर्ष। इसमें रेशियो से क्या लेना देना है, कोई दिक्कत नहीं है, योगफल दिया हुआ, योगफल ही पूछ रहा, तो वर्तमान योग हो गया दोनों के 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1158 मेंसुरेशन कहता है गोले और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है, मतलब हम लोग कह सकते हैं गोले और बेलन का आयतन बराबर है, आयतन बराबर है यदि उनकी त्रिज्या भी समान है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, कोई बात नहीं है त्रिज्या तो समान ही है, तो गोला का आयतन होता क्या है, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। देखिए कोई भी आपको मेंसुरेशन का कोई भी, बल्कि वो 3D फिगर या 2D फिगर आता है, तो उसका पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में रिव्यू होना चाहिए। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 πr³, बेलन का होता है πr²h, तो त्रिज्या तो चूंकि बराबर है इसलिए यहां भी r ही लिख दिए। अब यहां पे बोल रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, तो बेलन की त्रिज्या या गोला की त्रिज्या दोनों तो बराबर ही बोल दिया, तो r और h का रेशियो पूछ रहा है, कोई बात नहीं पाई से पाई काट दिए। अब यहां दो बार से दो बार कट जाएगा, एक बार बच जाएगा, 3 गुना होगा 4r = 3h, तो दो या दो से अधिक राशि बराबर हो, रेशियो निकालना है, कोफिशिएंट उलट जाता है, इधर 3 चलाएगा उधर 4, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो होगा 3:4। ऑप्शन से मिला सकते हैं, 3:4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1159 एपी का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी मतलब एपी, एपी दिया हुआ 142, 148, 154, .. इसका 12वां पद निकालना है, कैमा पद 12वां पद। आपको पता होगा कि एपी में एनवा पद टीएन बराबर होता है a+(n-1)(d), फॉर्मूला आपको ध्यान होगा a+(n-1)(d), जहां ए पहला पद कितना 142 प्लस एन माइनस वन, तब 12 एन कितना है 12वां पद निकालना है, तो 12 में से 11 इंटू डी, डी किसको जितना जोड़ के आगे बढ़े, या दूसरा पद माइनस पहला पद तीसरा माइनस दूसरा उसको डी कहते हैं, तो यहाँ कितना 6 जोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो कैसे 6 से, तो ये हो गया 142 प्लस 11 = 66 जोड़िए 6 × 2 = 8, 6 × 4 = 0 यानी कि 208, यानी जो श्रेणी दिया है इसका 12वां पद जो हो जाएगा 208 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1160 रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, कह रहा है 117 गेंदे जो एबीसी में बांटी जानी है, एबीसी में कितना के रेशियो में बांटना है, 2, 4 और 7 के अनुपात में बांटना है, तो कहता है सी की तुलना में ए को कितनी गेंदे प्राप्त होगी सी की तुलना में, तो चलो भाई 117 की तुलना 7×4 = 11 × 2 = 13 टोटल की तुलना टोटल से पूछ रहा है क्या कि सी को तो सी की तुलना में ए को कितनी गेंद है, तो सी की तुलना में तो सी 7 है, ए को 2 प्राप्त हो रहा है, तो ए को 5 कम हो रहा है ना, सी की तुलना में सी से तुलना करना है ए को, तो सी 7 है ई 2 है, तो ए को सी की तुलना में 5 कम, तो 5 से गुना 13 × 17 = 145 यानी कि 45 कम मिलेगा, सी की तुलना में ए को 45 कम मिलेगा, जब सी से तुलना कर दिया तो 45 कम, ऑप्शन से मिला ये देखिए ऑप्शन दोनों दिया 45 अधिक 45 कम, लेकिन आंसर होगा 45 कम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1161 दो मीटर समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है, अब एक वर्गाकार पार्क ले लिए, इसके अंदर एक रास्ता इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है जिसकी चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो बोल क्या रहा है 2 मीटर है, अब क्वेश्चन कह रहा है अंदर की ओर रास्ता बना हुआ, इस रास्ते के क्षेत्रफल 416 है, तो इस रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब पूरा वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो वर्गाकार है तो भुजा ए मान लेता हूं, भुजा सब ए मान लेता हूं, आप जानते हो आयताकार या वर्गाकार में रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2a
यहां पे 2a मान लीजिए, इसका x मान लेता हूं, यहां पे देख लीजिए x, x होता है फॉर्मूला डायरेक्ट 2a इंटू एन प्लस बी प्लस 2a, बाहर से है तो प्लस 2a, अंदर से है तो माइनस 2a, यहां अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल बता रहा है तो माइनस 2a, इतना बराबर 416 अंदर से बोला, तो हम लोग 2a, तो a के मतलब रास्ते की चौड़ाई होता है, तो दो l और b तो सेम ही है चूंकि वर्गाकार है, तो लंबाई चौड़ाई सेम ही होगा, तो लंबाई x चौड़ाई भी x, और यहां पर हो जाएगा कितना माइनस 2a, तो दो दूनी फिर 4 बराबर 416, बस x निकालना आंसर आ जाएगा। यहां देख लेते हैं दो दूनी 4, 4 से काट देंगे 4 का 4 0 4 4 का 16, यहां हो जाएगा 2x माइनस 4 उधर जाएगा तो 108, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा हम लोग का 2 से काटते हैं 2 से x x 2x, तो 2 से काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा कितना 54, x का मान कितना हो जाएगा 54। अब जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, x का मान हो गया 54, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अब इससे क्या कह रहा है, 54 हम लोग का ये ज्ञात हो गया, ये पूछ क्या रहा है, तो इस रास्ते द्वारा घिरे वर्ग का पार का क्षेत्र, मतलब ये वाला भाग पूछ रहा, तो बोलिए सर दो चौड़ा इधर है दो चौड़ा इधर है, पूरा 54 निकल गया, ये कितना हो जाएगा दो दो घट जाएगा 50, तो बाकी सब 50 हो गया, तो सिर्फ घिरा हुआ का पूरा का नहीं पूछता, रास्ता सही तो हो जाएगा 54 के स्क्वायर, लेकिन पूछ रहा है घिरा हुआ का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 50 के स्क्वायर, और 50 के स्क्वायर कितना होता है 2500, यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर होना चाहिए होना चाहिए 2500, क्योंकि रास्ता से ही रास्ता छोड़ के घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना तो कहना हो गया, इसलिए इस प्रकार से निकालेंगे, पूरा पूछेगा तो 54 का स्क्वायर हो जाएगा, रास्ता से ही पूछेगा रास्ता छोड़ के रास्ता से घिरा हुआ भाग पूछ रहा तो हम लोग का हो गया 50 का स्क्वायर, आंसर 2500 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1162, अगर ध्यान दीजिए चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है, तो ऐसा करते हैं ना इसको एवरेज से बना लेते हैं, ऐसे विषम मान सकते हैं, मान सकते हैं आप इस प्रकार से विषम कोई भी मानिएगा, पहला विषम x होगा, अगला x प्लस 2 होगा, अगला x प्लस 4 होगा, अगला x प्लस 6 होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन रहता है कि सारी विषम है तो दुदू का पढ़ा रहे, सामरा है चाहे विषम बढ़ता दुदू ये है, जैसे देखिए यहाँ 3 मान लीजिए, 3 दो 5, 5 दो 7 ही मानना पड़ेगा ना, तो विषम है तो इसका योगफल दिया 144, तो जोड़ के 144 लिख दीजिए, ऐसे ही बना लो, चलो x x x x का x 4x बराबर 6 4 10 2 12, 12 जाके 144 में घटेगा तो 12 घटेगा तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा 132। अब 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 4 3 12, फिर 4 3 12, यानी पहला संख्या हो गया 33 और अंतिम संख्या हो गया 33 और 6 कितना हो जाएगा 39। अभी दोनों का LCM पूछ रहा है, LCM निकाल देना है 33 और 39 का, तो 33 को तोड़ देते हैं 11 3 33, 39 को तोड़ देते हैं 13 3 39, LCM मतलब जो भाग फैक्टर है गुना कर देंगे 11 गुना 13 गुना 3, अब गुना कर दीजिए 13 3 39, 11 99 के 9 बचा कितना 9, 11 3 33, 33 में 9 जोड़े 33 में 9 जोड़ेगा 42। फाइनली जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो आया LCM वो आया हम लोग का 429 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1163, बहुत मजेदार क्वेश्चन और है छोटा क्वेश्चन लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करता है शांत और अशांत, मैं पहले भी बहुत सारा बता चुका हूं। ऑप्शन के अनुसार कह रहा है निम्नलिखित में से कौन साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान 7 दशमलव में नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं कि कोई भिन्न 7 दशमलव में तभी नहीं होता है जब उसमें 2 और 5 के अलावा कोई आता है, 2 और 5 के अलावा कोई आता है, कोई भी मतलब कोई अभाज्य संख्या हो 2 या 5 के अलावा, क्योंकि केवल 2 और 5 का गुणज रहेगा कितनों पावर के रूप में, तो कभी ना कभी 7 संख्या बन जाएगा, लेकिन उसके अलावे कोई अभाज्य संख्या नीचे आ गया 3 7 इस प्रकार से तो कभी मतलब कि 7 नहीं होगा। जैसे पहला ऑप्शन 27/480, आप इसको काटेगा 3 से 27, 3 से काटेगा 16 3 48 160, इसको आप लिख सकते हैं 16 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10, देखिए केवल 5 और 2 है मतलब ये 7 हो जाएगा, इसमें नीचे में ऊपर में कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे में देखिए ये भी 2 का ही फैक्टर है, ये भी 2 और 5, तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन यहां बोला है कि कौन 7 नहीं होगा, 21/640 ये भी 7 हो जाएगा,
क्योंकि इसको भी आप 64 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुना 5, इसमें भी 5 2 के अलावा कोई नहीं, ये भी साथ हो जाएगा, 240 बटा 450, 179 24 9 5 45, आप देखिए यहां 9 आ गया, 9 को तोड़िएगा 3 गुना 3, 3 आवास संख्या आ गया, तो 2 और 5 का लाभ मतलब 2 और 5 है, इसके अलावा भी कोई आ जाए शामिल हो गया जहां, तो वो कभी नहीं शांत होगा, मतलब इसी को आप शांत नहीं बना सकते हैं, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1164, खराबा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर, 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15, 25 से विभाजित हो, 12, 15, 25 से विभाजित हो, तो इसका तो एक ही तरीका है कि हम लोग इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 300, निकाल देता हूं, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और ये तो 25 ही है, तो एलसीएम मतलब बड़ा बड़ा फैक्टर को गुणा कर लेंगे, 25 गुना 5 तो अब लिखना नहीं, 4 गुना 3 मतलब कितना 300, इसका एलसीएम हो गया 300। अब सिंपल तरीका ये है जिसमें 300 से 20,000 में 300 से भागा दे देता हूं, जितना शेष बचेगा, क्या बोल रहा है कि कितना 20,000 में कितना जोड़े, कितना जोड़े कि इतना से विभाजित हो जाए, 300 से भागा देते हैं, 300 से 6 तिहाई 1800 बचा कितना 200, पर फिर जीरो देंगे तो फिर 6 तिहाई 1800 बचा कितना 200, अब ये 200 बच रहा है, यदि 300 रहता तो कट जाता, शेष कितना बचा 200, ये तो इतना बार में हम काटे हैं, शेष कितना बचा 200, यदि 300 रहता तो कट जाता, तो ये 300 में से 200 को घटा देंगे बचा कितना 100, यानी फाइनली आया कि 100 और जोड़ेंगे तो इतना से कट जाएगा, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1165, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझिएगा, करा सेक ए प्लस टैन ए व्हाट, उसके बाद क्या है सेक ए माइनस टैन ए बराबर दिया हुआ है 2 + 51/79, अब 2 + यहां पे लिखा 2 + 51/79 को हम लोग ऐसा करते हैं 79 × 2 9 × 18 = 8 और 7 × 14 और 1 = 15, 158 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा 158 में से, सॉरी प्लस है तो हो जाएगा 8 × 1 = 9 और 5 × 5 = 10 और कितना हो गया 209/79, क्लियर है। अब क्या यहां पे पूछ क्या रहा है हम लोगों से, पूछ रहा साइन ए का मान, तो कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि साइन ए के रूप में बदल जाए, या तो इतना बराबर इतना और इतना लेके हम लोग सेक निकाल सकते हैं या टैन निकाल सकते हैं, उसके अनुसार भी हम लोग साइन का मान निकाल सकते हैं, तो साइन का मान इसके अनुसार निकालने के लिए या तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसको साइन कोस में ही बदल देते हैं, इसको देखिएगा 1 / cos A + sin A / cos A फिर बटा ये वाला भी 1 / cos A - sin A / cos A बराबर 209/79, ये देखिए cos A cos A एलसीएम लेके तो कट जाएगा, लेकिन यहां पे ऊपर हो जाएगा 1 + sin A, ऊपर बढ़ जाएगा 1 + sin A और नीचे बच जाएगा 1 - sin A, बस अब तिरछा गुणा करेंगे साइन ए का मान निकल जाएगा, थोड़ा बड़ा है ये लेंदी है थोड़ा, 79 गुना होगा इधर, पहले साइन क्या करते हैं 79 sin A प्लस में और दूसरा 9 sin A कोची में माइनस में, तो इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 79 को sin A प्लस में, एको प्लस एको माइनस आए तो जोड़ देना है, 79 को sin A इधर 209 के sin A तो कितना हो जाएगा 9 × 9 = 18 बचा कितना 1, यानी हो जाएगा 288 को sin A अब बराबर, अब देखिए यहाँ पे 79 का है 79, 209 का है 9, तो दोनों प्लस में है तो घटेगा, तो घटेगा तो हो जाएगा कितना, तो घट के हो जाएगा 0, उसके बाद में हो जाएगा 0 हो गया, फिर 10 में से 7 गया 3 यानी 130 हो गया, अब पूछ क्या रहा हम लोग से साइन ए पूछ रहा, तो 288 उधर चला गया, काट दीजिए पहले 65 × 130 144 × 288 यानी साइन ए का मान हो जाएगा 65/144। फाइनली बस थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था, कुछ नहीं किया, साइन कॉस में बदल के तिरछा गुणा कर दिए, थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, अब एक एक लाइन को लिखे तो आपको टाइम लगेगा, हम लोग का आंसर हो गया 65/144 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1166, तो बहुत आसान, एक टेबल दिया हुआ है,
और बोला है क्या, चार अलग अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया गया है, तो सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते जाने वाले लोगों का औसत, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। तो जोड़ दीजिए, पहला तिमाही में है 2000, फिर कितना है 1000, फिर कितना है 3500, और फिर कितना है 5500। अब बटा, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जाने वाले लोगों की औसत संख्या प्रत्येक तिमाही, तो तिमाही तो चार तिमाही, तो चार से ही भाग देना पड़ेगा हम लोग को। तो काटते हैं इसको, काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2000 एक 3000, और ये हो गया 5 3 8, यानी कि 9000। तो 9 3 12000, और 12000 को 4 से भागा देंगे 3000, यानी कि प्रति तिमाही जो औसत लोगों की जाने की संख्या वो है 3000। यदि प्रथम मासिक पूछता तो 12 से भाग देते, लेकिन तिमाही पूछ रहा है तो एक साल में चार तिमाही से भी चार ही तिमाही दिया है, तो इसलिए 4 से भाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1167। देखिए क्वेश्चन सब आसानी आसानी दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा घुमाया गया, तो ये भी हमें समझिए। एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 42 अंक प्राप्त किए, सॉरी 50 में से 22 को यदि प्रतिशत में बदलिएगा ना, तो 44% होगा। अब बदल के देख लीजिए, 50 में से 22 लाया, मतलब कई परसेंट लाया, 44%। उसे एक और परीक्षा देनी होगी इसे पास करने के लिए, उसे कुल मिलाकर 56% अंक लाना है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक का है, दूसरी 75 है, तो कुल कितना हो गया, बोले पहला परीक्षा 50 के, दूसरा 75 के, तो कुल 125 के, आप पूरे में उसको चाहिए 56% अंक, तो बोला दूसरी परीक्षा में कई प्रतिशत अंक लाना होगा। प्रतिशत पूछा, इसलिए हम शुरू से प्रतिशत में ही बदल दिए, अंक पूछता तो अंक में ही बदल देते। देखे 50 से 22 लाया मैंने 44%, पूरे में लाना है उसको 56%, पूरा कितना है, दूसरा एग्जाम 75 का होगा, तो टोटल जोड़ के 125। अब आप एवरेज के नियम से निकाल सकते हो, ऊपर वाला काट दीजिए, 25 25 25 25 3। अब यहाँ पे या तो गुना कर सकते हैं या 56 लेके चलिए, आप 56 लेके जा रहे हो, 44 लेके जा रहा है, कितना ज्यादा, तो बोले कि सर कितना कम लेके जा रहा है, तो 12 कम, 12 दुनी 24, कम लेके जा रहा है जुटेगा, प्लस 24 बटा 3, 8 3 24, 56 और 8 जोड़िए, तो बोले सर 56 और 8 हो जाएगा 64, यानी कि पूरे में 56% लाने के लिए उसे दूसरा परीक्षा में कई परसेंट तक लाना होगा, 56% एवरेज से बना दी। नहीं तो आप ऐसे गुना कर सकते थे, 24 गुना 5 में 44 गुना 2 घटा के 3 से भाग, नहीं तो फिर पहले अंक में बदलिए, फिर अंक प्राप्त करके फिर परसेंट में बदलिए, जैसे आपको इसी में समझना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी तरीके से बन जाएगा। ये हो गया 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1168। तो कैलकुलेशन है 24 गुना 15 बटा 12 प्लस वाट बराबर 120। काट दीजिए, ऊपर से गुना में है तो काट सकते हैं, 15 से 15 गए 15 11 बन, तिरछा गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 11 वाट, 11 गुने 12 होता है 132, प्लस 11 वाट बराबर 24। ठीक है, तो ये 132 जाके उधर क्या होगा, घटेगा, तो 11 या वाट बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वाट बराबर ये 24 पहले इधर घटा देते हैं, तो 132 में 24 घटेगा तो बचेगा -108, अब बटा में हो जाएगा 11। फाइनली आपका जो वाट का आंसर आया वो आया -108/11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1169। कह रहा है क्या, क्रम से 45 मिनट 60 मिनट 125 मिनट, 45 60 125 मिनट के नियमित अंतराल पर 3 घंटियां बचती है। यदि सोमवार को सुबह 10 बजे पर तीनों घंटे एक साथ बजे, तो दोबारा जब कोई काम दोबारा दोहराना हो, घंटिया बजना हो, यातायात की बतिया हो, ऐसा हो, तो हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप हाथ में तोड़ देते हैं फटाक से, 9 बजे 45, ये हो जाएगा कितना आपको 9 बजे 45, 4 3 12 5 60, और ये तो 125 125 ही है, एलसीएम हो जाएगा 125 गुना 9। अब 9 लिख दिए तो 3 लिखने की जरूरत है, 125 5 भी नहीं लिखेंगे, अब कितना आ जाएगा 4। अब गुना करते हैं, गुना कर दीजिए, 125 को 4 से गुना करिए 500 500 और गुना 9 9 5 4500। फाइनली जो एलसीएम आया 4500 मिनट, 4500 को जो दे रहे मिनट, लेकिन इसको घंटा में बदलना है, तो कैसे गुना, 60 से, 60 से काटते हैं, 60 से करिए 100 से 100, 60 से काटिए 7 6 7 42 6 7 42, आप 6 5 30, यानी कि कई घंटे लगेंगे, 75 घंटे। तो जोड़ दीजिए कि पुनः एक साथ कब बजेगा, जबकि उस सोमवार को क्या बोला है 10 बजे, सोमवार को सुबह 10 बजे
तो 75 घंटा उसे जोड़िए। तो बोलिया कि सर ऐसा करते हैं 24 से पहले भाग लेते हैं, 24 या 72, 3 दिन तो ऐसे हो गया, 3 दिन और कई घंटा, तो 3 दिन और 3 घंटा, 72 कट जाएगा तो 3 घंटा ना 75, तो सोमवार से 3 दिन जाएंगे, तो सोमवार से 1 दिन जाएंगे, मंगलवार 10 बजेगा, फिर बुधवार 10 बजेगा, फिर बृहस्पतिवार 10 बजेगा, यानी बृहस्पतिवार 10 बजेगा उसके बाद 3 घंटा, यानी कि हम लोग का आंसर आएगा बृहस्पतिवार 10 बज के, यानी 10 AM प्लस 3 घंटा जोड़िए, तो 10 में 3 जोड़िए तो 1 बज जाएगा, यानी 1 PM होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको गुरुवार 1 PM पर ऑप्शन दे लें, पहला ऑप्शन, पहले तो बृहस्पतिवार आ जाएगा 3 दिन, सोमवार के 3 दिन, और फिर 3 घंटा ज्यादा, चूंकि 10 बजे शुरू हुआ तो आएगा तो 10 बजे, और 3 घंटा ज्यादा आ गया, यानी कि बृहस्पतिवार को कई बजे, 1 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1170 भाई, ये तो आपसे बन जाएगा प्रमेयकरण करना है, 1 + √3 का प्रमेयकरण, तो 2 - √3, 2 - √3 चिन्ह बदल के ऊपर हो जाएगा 2 - √3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, आंसर यही होगा 2 - √3, बटा में 1 दीजिए अथवा नहीं दीजिए, तो 2 - √3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1171 बहुत बार बना चुके हैं, एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, पंचभुज जैसी बोला एन का मान 5, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला आप कई बार पढ़ चुके हैं, n - 2/n गुना 180, 5 एन का मान क्या रखेंगे, 5 - 2 घटेगा 3 बटा 5 गुना 180, 5 से 36 + 180, 36 + 108 माने सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान होगा 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1172 अब ये तो ऑप्शन से ही बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरियन त्रिक है, तो पाइथागोरियन त्रिक वही होता है जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर के रूप में रहता है, मतलब दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के बराबर होना चाहिए। पहला ऑप्शन 5, 12, 14 है, नहीं होगा, 5, 12, 14 है, नहीं होगा, 15, 20, 25 ये हो जाएगा, 15, 20, 25 क्योंकि 15, 20, 25 देखिए 15 के स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 625 और 25 का स्क्वायर 625, यानी पाइथागोरस है 15, 20, 25, ऑप्शन आपका दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1173 अब देखिए एसआई का क्वेश्चन, नेहा की 8000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 9200 हो जाती है, यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती तो कितनी राशि प्राप्त होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एसआई के मास्टर वीडियो में बताया स्पेशल टाइप में, जरूर बनाइए। देखिए मूलधन पहले से कितना है 8000, कितना 8000, पहला मिश्रधन प्राप्त हो गया उसको 3 वर्ष में 9200, दर कितना ही पता नहीं लेकिन 9200 हुआ, कई वर्ष में 3 वर्ष में। अब बोल रहा है क्या, यदि दर 2% बढ़ जाए तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब नया मिश्रधन दूसरा मिश्रधन, यहां से अनुमान लगा जा रहा है कि यदि दर 2% बढ़ जाती तो देखिए किताब में कैसे बनाएगा, पहले यहां से दर निकालेगा फिर उसमें 2% बढ़ा के फिर नया मिश्रधन निकालेगा। मैं आपको एकदम इजी और हॉट ट्रिक बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे, कई परसेंट बढ़ा रहा है 2%, तो 1 वर्ष में 2% तो 3 वर्ष में 3 × 6%, लेकिन किसका 6%, मूलधन का, एसआई में तो यही फायदा है ना मूलधन का, तो 8000 का 6% 48 480, जो पहले से मिश्रधन है उसी में 480 बढ़ा दो ना, 9200 में 480 बढ़ाएंगे तो हम लोग का आंसर नहीं आएगा 9680, यानी कि जब 3% बढ़ जाएगा तो नया वाला जो होगा 2% बढ़ जाएगा तो जो नया वाला मिश्रधन होगा 9680 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1174 ये तो पाई चार्ट वाला फिर से आ गया, और वही वाला 36,82,000 की तुलना कितना से 100 से। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक्स वाई जेड द्वारा राजस्व प्राप्त किया गया, तो यार क्रिकेट किट द्वारा पूछ रहा है क्रिकेट किट की बिक्री से कितना राजस्व, तो क्रिकेट किट का 30% ले लो तो 30 से गुना, निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए 2 से 2 गुना करें 0 0 3 से 3 × 6 8 24 4 बचा दो 6 18 2 20 बचा दो 3 9 2 11 11,04,600 ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1175 तो मैं नहीं बताऊंगा आप ही को बनाना है, बस कुछ नहीं करना, प्लस का भाग माइनस का प्लस गुना का माइनस और भाग का गुना उसके बाद चिन्ह बदल के, आप जानते हैं पहले भाग का काम होता है, बहुत सारे इस प्रकार के कैलकुलेशन मैंने बताया इसको इग्नोर नहीं करना, बनाना है तभी आप स्पीड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1176 बहुत आसान क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक संख्या लिखा 93 50 71 360 ऐसे करके,
यह संख्या लिखा हुआ है, देख लीजिए, मिला लीजिए। मैं दो तीन के स्थानीय मानों के बीच अंतर, यहां दो को तीन है, इसका स्थानीय मान, तो ई वाला तीन का स्थानीय मान 300 हो जाएगा, तीन के बाद दो, ई वाला तीन का स्थानीय मान, तो बोलिए सर दो दो चार दो छह एक सात, एक दो तीन चार पांच छह सात शून्य, दो दो चार दो छह एक सात। अब बोला है क्या कि दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर तो कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए, जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो जीरो गया जीरो, जीरो में से तीन रह जाएगा तो दस में से तीन जाएगा सात, अभी बच जाएगा नौ, ये भी नौ, ये भी नौ, ये भी नौ, आई कितना दो, क्योंकि तो पहचान पहचान लिए थे 29 99 97 और कितना 00। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप ऑप्शन मिला लीजिए 29 99 97 00 आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1177। अब देख लीजिए फिर से आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला, कह रहा 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, 5000 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 4 5 6 बचता है। तो ऐसा कर देना 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 4 5 6 बचता है। देखिए इसका अंतर एक है ना, संख्या और शेष फल का, तो इसका निकालने का एक तरीका है कि ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 5 6 7 6 5 30 210 हो जाएगा, 30 7 210 एलसीएम 210। अब 5000 से पूछ रहा है तो 5000 में क्या करते हैं 210 से बात भाग लेते हैं। एक तरीका यह भी है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, लेकिन सीधा तरीका है कि 210 से भाग देते हैं, जो शेष फल बचेगा उसको घटा देंगे, लेकिन अंतर एक का है तो एक और घटाना पड़ेगा। तो यहां देख लीजिए 210 से भाग देता हूं, 210 दूनी तो 420 बचे कितना 80 पर 0, फिर 210 से 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार तो 630 तो बचा कितना 630 तो बच गया 100 कितना 50 सॉरी 170। अब 170 शेष बच गया, यदि 170 इसमें घटा दिया जाए 5000 में 170 घटा दिया जाए तो वो कट जाएगा, तो घटा देते हैं 0 0 घटा 0 हो गया, उसके बाद में ये हो गया कितना 10 में 7 जाएगा 3, 9 में से गया 8 और ये कितना 4। लेकिन एक और घटाना पड़ेगा क्योंकि यहां एक यहां ये दोनों का जो अंतर एक है, जितना का अंतर रहता है उसको भी घटा देते हैं तो यहां पर हो जाएगा 48 29। फाइनली 5000 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी वैसी संख्या जो 5 6 7 से भाग देने पर शेष पर 4 5 6 बचेगा, वो हम लोग का आंसर आएगा 48 29, ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1178। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक फर्म एक कंपनी जो भी या खेत कहीं भी काम करने वाले व्यक्ति 150 कर्मचारियों के एक समूह से पूछा गया कि वे उन तीन नई प्रौद्योगिकी को जानते हैं जो कंपनी काम में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मतलब टोटल 150 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 50 ने बताया कि एक और दो जानते हैं, आप या तो डायरेक्ट जोड़ के घटा सकते हैं या ऐसे 1 2 3, 50 जो है ये दोनों जाने वाला है। फिर आइए 30 ने बताया 1 3 2 3 जानते हैं, 90 ने बताया 1 3 जानते हैं, 20 ने बताया वे सभी तीन, 20 यहां लिख दिए, 1 2 जाने वाला कितना है तो बोल रहा है एक और दो जाने वाले 50 है तो ये 20 हो गया, तो यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, 30 20 50, 2 3 जाने वाले 30 है तो ये 20 है तो कितना 10, 1 3 जाने वाले कितने हैं 90 तो ये 20 है तो ये 70, देखिए 70 20 90 एक तीन के अंतर्गत आ गया, ये टोटल जुड़ गया 70 20 90 10 सब 130, मतलब 130 ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक जानते हैं, कितना में 150 में, तो बोला है कितने हैं जो केवल एक जानते हैं, तो बोले दिक्कत क्या है सर केवल एक जानने वाले हो गए, 150 माइनस 130 मिला के कितना 20 ऐसे हैं जो केवल एक जानते हैं, ऑप्शन से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1179, जरा समझने लायक क्वेश्चन। श्रीमान एक्स ने 11.03 के सामान्य ब्याज पर 3 साल के लिए 11.03% 3 वर्ष के लिए, तो सामान्य ब्याज था तो गुना हो जाएगा 11 3 33 और 0.3309 हो गया 33.09, क्लियर हो गया। अब यहां पे पूछ रहा है श्रीमान भाई, श्रीमान को भाई आया, श्रीमान भाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, तो 3 वर्ष 10% 10% 3 वर्ष 10% तो यह हो जाएगा 33.1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समान क्या बोल रहा है कि श्रीमान एक्स ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए कितना निवेश किया 300 निवेश किया 300
अकोला श्रीमान भाई को 3 साल बाद समान राशि पाने के लिए निवेश करना चाहिए। कितना निवेश करना चाहिए? लेकिन 10% के चेक में। सिंपल बात है, यहां देख लीजिए, 300 भी निवेश किया है तो देखिए इसका ब्याज हो रहा है 33.09, यहां 33.10। ये दोनों में अंतर कितना का है? दोनों को समान ब्याज है लगभग, देख लीजिए ये लगभग दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए 33.09 सिर्फ 0.01 का अंतर है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो सब पूरा पूरा ही दिया हुआ है, तो आंसर तो यही हो जाएगा ना कि 300 ये निवेश किया तो ये भी 300 निवेश करेंगे, तभी ना दोनों के बराबर। देखे ब्याज क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तभी तो ब्याज आएगा, नहीं तो फिर आप इसका पहले मूलधन निकालिए, जितना आएगा फिर तुलना गुणा करके उधर निकालिए। सिंपल तरीका, थोड़ा रीजनिंग कॉमन सेंस लगा दिए। इसका भी 33.09 आया, इसका भी 33.10 आया, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है लगभग एकदम सेम है, इक्वल है, तो इसका मूलधन भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 300 का 300 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1180। देखिए बहुपद का क्वेश्चन आ गया, करा 3x² प्लस ए एक्स और प्लस 4 विभाजित है किससे, एक्स माइनस 8 से। तो ए का मान क्या होता है, एक्स माइनस 8 से विभाजित है तो एक्स का मान 8 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, यहां हो जाएगा 64, यहां कितना हो जाएगा 8, तो यहां हो जाएगा 64 तिया 12 और प्लस 8a और प्लस 4 बराबर कौन सी 0। इक्वेशन तो यही है, हमें a का मान पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, तो ऐसा करते हैं 8a बराबर 192 4 196 उधर चला जाएगा लेकिन माइनस में जाएगा। अब काटते हैं, 8 से भाग आते हैं, पहले 4 से भाग, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 बच गया 3, 9 × 4 = 36 -49, यानी a बराबर -49/2, 2 से भाग दें 24 × 2 = 48, 24.5 लेकिन कौन सी में, माइनस में, मतलब ए का मान -24.5 आएगा। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1181 आपको बनाना है, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन करें, बस जोड़ घटा गुणा भाग है, निश्चित रूप से बन जाएगा, इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1182, एक टैंक को 15 घंटे में नलिए द्वारा भरा जा सकता है, 20 से 24 घंटे में भर सकता है, नल से 30 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों को खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय, कोई बात नहीं, ए बी सी, 15 घंटे ये 24 घंटे भर सकते हैं, 30 घंटे में खाली, क्षमता निकाल लेता हूं, समय को उल्टा क्षमता 1/15 / 24 / 30, हरो का एलसीएम बोले सर 120, 15 × 8 = 24, 5 और 30 × 6 = 20 आ से, तो ये माइनस हो जाएगा चूंकि खाली कर रहा है, किसी एक को लेकर चलेंगे 120, तीनों स्टार्ट हो गया, 8 × 5 = 13 भर रहा है, 4 खाली कर रहा है, बचा कितना 9, तो बोला कितना देर में भरेगा 9 के क्षमता से, टी टी बराबर 120/9। अब ऑप्शन से मिला लीजिए, 120/9 को काटेंगे, 3 × 9 = 40 × 120, हम लोग का आंसर इसी रूप में दे दिया है, 40/3 आवर्स, 40/3 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1183, मिश्र अनुपात का क्वेश्चन, करा एक ठेकेदार ने एक काम 124 दिन में करने का ठेका लिया, मतलब बोला कि इतना दिन में कर देंगे, 120 व्यक्ति नियुक्त किए, 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 काम ही हो पाया है, मतलब जितना नियुक्त किया था, नियुक्त कितना किया था 120 व्यक्ति, 64 दिन में कितना काम किया है, 2/3 काम नीचे भागी सब ऊपर। मिस अनुपात का कांसेप्ट जरूर देखेगा, मास्टर वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो 2/3 तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटाकर या कार्य निश्चित समय पूरा हटाकर, तो पहले से कितना है 120 हटा दिया मान लिया जाए x, अब निश्चित समय में पूरा करना, तो 124 दिन में 64 दिन तो कर लिया, तो बचा कितना 60 दिन, तो 60 दिन और बच रहा, काम कितना बच रहा है 2/3 हो गया, तो बच कितना रहा 1/3, क्लियर, काट दीजिए 3 से 3 कैंसिल, 60 × 120, 2 से 2 64, एक सीधा आएगा 120 में 64 घट जाएगा, तो 120 में 64 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोले सर 56 बचेगा, यानी कि कितने व्यक्ति को हटा देना चाहिए 56 व्यक्ति, 56 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1184, लगातार 10 पारियों में राहुल शर्मा के स्कोर क्रमशः पहली 10 प्रकीर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकीर्ण संख्या 1 से शुरू होता है, ये है, तो बोला इसका माध्य क्या है, तो माध्य बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 1 + 1 + 10/2 = 11/2, 5.2
पांच, इसका मान होगा 5.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1185 आपको बनाना है, क्योंकि ये भी फिर वही बोर्ड मास का नियम लगे, बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करिए। प्रयोग करने के लिए आप जान रहे हैं पहले ब्रैकेट का काम होगा, पहले काके होगा, फिर गुना भाग होगा, मतलब पहले भाग होगा उसके बाद गुना होगा, बहुत सारे कैलकुलेशन टोटल बता चुका हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1186, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के चार भुजा बराबर होता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 30 है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 है, 30 मीटर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक विकर्ण लिया गया है कितना 36, विकर्ण दो होते हैं और हम सभी जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल d1 × d2, तो पहले एक विकर्ण तो 36 दिया हुआ कि चलो 1/2 गुना 1 तो 36 हो गया, दूसरा विकर्ण कैसे होगा, तो एक कंसेप्ट आपको मालूम होगा, कोई भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब, तो ये लंब के सामने ये कर्ण का काम करेगा, यदि इसको मान लिया जाए 36, तो 36 में ये 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, 6 × 18 = 6 × 5 = 30, तो 3 × 4 तो ये 3 है, 5 है, तो ये 4 यानी कि 24 होना चाहिए, ये तो आप निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर में साधारण स्क्वायर करके, ये 24, ये भी कितना हो गया 48, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 48, दूसरा विकर्ण 48 हो गया, काट देते हैं, 2 से काटेंगे 18 × 36, 18 × 144 के 4 बचा कितना 14, 18 × 72 और 14, 72 और 14 जोड़िएगा तो आ जाएगा 86, 72 और 14 86, यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर आना चाहिए 864, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा ये समचतुर्भुज का 864 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सप्लाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1187 टाइम डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन, एक छात्र 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बोल रहा है उसने कुछ समय 75 की चाल से अवशेष 55 की गति से, उसने कितने समय के लिए उच्च गति से, ये गाय मुर्गा से बन जाएगा, 7 घंटा चलना है, पहला गति दूसरा गति, पहला चला है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, टोटल दूरी हुआ है 420 किलोमीटर, बस इतना तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, बोला उच्च गति से कितना समय चला, मतलब ई वाला चाल से कितना समय, उच्च गति 75 है तो पूछ रहा है उच्च गति से, तो मानेंगे निम्न गति से, गाय मुर्गा आप पढ़े होंगे, तो निम्न गति से, तो यदि 55 से चलेगा तो टोटल दूरी हो जाएगा 7 × 55, 7 × 35 के बाद बचा 3, 7 × 35 3 × 38 385, आई है 420, अंतर कितना के, तो 15 और 20 कितना के 35 के अंतर, कितना के 35 के, आई दोनों के चाल में कितना के अंतर, तो बोलिए कि सर ये 75 ये 55 है, अंतर कितना के 20 के, तो 35/20, अब इसको काट सकते हैं 5 से 5 = 20, 5 से 35 7/4, यानी 1.3/4 घंटा उच्च गति से चला है। अब ऑप्शन क्या दिया है, ये ऑप्शन एक घंटा तो एक ही घंटा लिखा है, बाकी 3/4 को 45 मिनट लिख दिया है, यानी हम लोग का आंसर होगा उच्च गति से कितना देर, 1 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1188, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी बनाए, कहता है 122 स्थान तक सही दिया गया है, उसका मान क्रम से है, तो x का है 3.57 और y का है 3.42, तो बोला उसका ऊपरी सीमा क्या है, तो लगभग में जो ऊपर वाला मान पूर्णांक होगा वही आंसर होगा, पहले इसको जोड़ देते हैं, तो जो 7 × 2 = 9, 5 × 4 = 9, 3 × 3 = 6, अब 6.99 को 7 नहीं लिख सकते हैं, अब 7 के बाद 0.00 दीजिए या कुछ भी दीजिए, लेकिन इसका जस्ट ऊपरी सीमा लिखना हो तो आपको लिखना होगा 7 लगभग में, ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85, कुछ नहीं बस मान रखना है, cot 45 डायरेक्ट मान रख रहा हूं, cot 45 1/(sin 45) 1/√2 प्लस 1/(sin 45) 1/√2 बटा 1, cot 45 का मान 1 होता है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो रूट टू ऊपर चलेगा, रूट टू ये रूट टू इधर गुना होगा, रूट टू प्लस 1 प्लस ये तो नीचे 1 है कोई दिक्कत नहीं, रूट टू ऊपर रूट टू प्लस 1, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एलसीएम होगा, तो ये रूट टू अंदर गुना हो जाएगा, तो ये ए को बच जाएगा 2 प्लस रूट टू, ये रूट टू इधर गुना होगा 2, ये रूट टू प्लस 1, रूट टू प्लस 1 इधर गुना होगा, रूट टू प्लस 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर तोड़ रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3 और प्लस 2 ए भी तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा,
यानी ऊपर हो गया 3 × 5 प्लस 2√2 और बटा 2 + √2। अब देख लीजिए आंसर दिया है, यदि नहीं दिया, नहीं दिया तो कंजुगेट फिर से करना पड़ेगा यहां पर, 2 − √2 बटा 2 − √2, मतलब आंसर नहीं दिया तो कंजुगेट। ऊपर देखिए ये दोनों गुणा करता हूं, देखिए 5 × 10 −5√2 पास हो गया, अभी से 2 × 4 यानी प्लस में 4√2, अभी ये माइनस 2 √2 √2 तो 2 × 4 और बटा में नीचे a प्लस b इनटू m s b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 − 2। ऊपर कितना बच जाएगा, तो प्लस 10 में 4 घटेगा 6 बचेगा, 5 को √2 में से 4 को √2 घटेगा तो −√2 बचेगा और बटा नीचे कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 2। अब भी आंसर क्या किया है, ये 2 से दोनों भाग दे दिया है, दोनों भाग दिया 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 माइनस √2 में √2 से भाग देंगे तो 1/√2, यानी हम लोग का जो आंसर होगा या तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया, ये ऑप्शन नंबर सी देखिए √2/2 लिख दिया ऐसे ही, देखिए आपको ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा, क्लियर है ना, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आई √2/2 देख लीजिए ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1190 रेशियो का क्वेश्चन, बोला है 5100 है, ए और बी में 8, 9 के अनुपात में बांटना है तो बी का भाग ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो अधिक या कम के मतलब अंतर होता है, यहाँ 5100 बांटना है मतलब योगफल 5100 है, यहाँ 8 और 9 = 17 योगफल की तुलना योगफल से निकालना है, दोनों का अंतर कितना अधिक है तो 1 से 17 = 51 आंसर कितना हो गया 300, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1191 आपको बनाना है, कुछ नहीं बस छोटा सा कैलकुलेशन 6 से 42 में भाग दे दीजिए, उसके बाद इधर 13 × 26 कर दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1192 यह देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, निकालना क्या है 250 का 46% निकालना, तो दिक्कत क्या है भाई, निकाल दो परसेंट कर दो बटा में 100, 50 × 100 50 × 5 = 250, 2 से 23 × 46 23 × 5 = 115, जितना फास्ट जैसे कैलकुलेशन करना जैसे समय बच जाए आपका आंसर हो गया 115 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1193 बस समझने लायक क्वेश्चन, 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो जो 6, 8, 10 और 12 से विभाजित होगा इसका एलसीएम से भी विभाजित होगा, तो 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लगता है 120 होना चाहिए, देख लीजिए बढ़िया से, इतना छोटा का तो एलसीएम इसी में निकाल ही सकते हैं, तो अब देख लीजिए 120 से कौन कौन है जो 300 और 500 के बीच में विभाजित है, तो 12 × 36 एगो तो 360 है, अब 248 एगो 480 है, मतलब 300 और 500 के बीच में ये दोनों है जो 120 से विभाजित है, मतलब इस सभी से विभाजित है एलसीएम से भी, मतलब सबसे, तो ऑप्शन में जब ऐसा पूछ रहा है तो एक ही को ऑप्शन में देगा, देख लीजिए आपका ऑप्शन 480 तो नहीं है 360 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1194 क्वेश्चन लिखा हुआ लंबा है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस समझना है, एक ही दिन में 12 दिन में काम कर सकता है जबकि बी खुद को करने के लिए उसे 16 दिन लगाते हैं, और क्या बोला सी के साथ मिलकर, अब सी के साथ मिलकर मतलब यही दोनों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बोल सकते हैं इसको आप, सी के साथ मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी कई दिन में 6 दिन लगते हैं, जबकि बोल रहा है सी और डी एक साथ करेगा तो 30 दिन, सी और डी एक साथ करेगा तो 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो खुद काम करने में डी को कितने दिनों की आवश्यकता, क्या दिक्कत है भाई, क्षमता निकाल लो, क्षमता कितना हो जाएगा, तो क्षमता हो जाएगा 1/6, 1/12, 1/16, 1/30, तो बोल देखे तो 6, 12, 16 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमें तो लगता है कि इसका एलसीएम हो जाना चाहिए 480, 240 भी हो जाएगा, 240 तो हो जाना चाहिए, देख लीजिए, देखिए जल्दी से निकाल देते हैं, 30 का 240 हो जाए, 240 में 6 से भागा देंगे 6 × 4 = 24, 40 आ गए, 12 से भागा देंगे 12 × 2 = 24, 20, 16 से भागा देंगे 15 और 240 में 30 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, देख लीजिए अब तो कट ही नहीं रहा, तो सही में 240 हो गया। अब यहां देख लीजिए एबीसी तीनों का क्षमता है 40, जिसमें ए का है 20, बी का है 15, 20 15 35, तो सी का कितना होगा 5, तभी ना एबीसी जोड़ के 40 होगा, एबीसी 40 है, 20 15 35 और 5 40,
अब सी और डी जोड़ के आठ है, जेरा में सी है पांच, तो डी कितना होगा तीन, तभी ना पांच तीन आठ होगा। तो यही तो बोल रहा है कि डी अकेले पूरा काम को करने में कई दिन लेगा, पूरा काम किसी एक को लेकर चलिए कितना आएगा 240, तो डी तीन के क्षमता कई दिन में, डी दिन में आठ दिया 24, 80 दिन, यानी कि जब डी अकेला काम को करना चाहेगा तो कई दिन में काम कर देगा 80 दिन में। बिल्कुल 100% समझ में आया होगा, ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1195, दीपा ने 185 में कप का एक सेट खरीदा, खरीदा मतलब खरीद मूल हो गया कितना 185, 185 में खरीदा, परंतु बाद में पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 170 में बेच दिया, कितना में 170.2 में, तो बोला कितना हानि होगा, यहाँ कितना नहीं हानि प्रतिशत पूछ रहा, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 185 170, कितना हानि हो गया, तो लगता है 14.8 होना चाहिए, घटा के आप देख सकते हैं, है ना, ऐसे 185 में से 170 घटे तो 15 आएगा, 0.2 और घटा, और बटा में 185 हानि बटा क्रय मूल्य और गुना कितना 100। अब इसको काटते हैं तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट हानि होगा, काट दीजिए, 10 से पॉइंट कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 तिहाई 15, बच गया 3 7 5 35, अब 37 से काटते हैं 7 6 28, लगता है कि चार बार में कट रहा है, यानी 4 2 8 8% हानि होगा, ऑप्शन से मिलाइए 8% हानि दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1196, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाता है, मैक्सिमम विद्यार्थी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, देखिए बहुत इजी वे में बताता हूं मैं, एक बहुफलक मतलब एक ऐसा जिसमें फलक की संख्या बहुत हो, जैसे घन घनाभ होता है 6 फलक होते हैं, के 10 अग्रभाग है ठीक है ना, और 23 किनारे हैं, तो उनके शीर्षों की संख्या क्या होगी, अग्रभाग मैंने फलक हो गया, तो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए घनाभ ले लीजिए या घन ले लीजिए, इसमें फलक यदि हम पूछे, इसी को अग्रभाग कहा गया है अग्रभाग, तो फलक 6 होता है और शीर्ष कितना है होता है, तो बोलिए कि सर शीर्ष 8 होता है, और किनारा कितना होता है, तो किनारा कितना होता है, किनारा होता है 12, किनारा कितना होता है 12, देखिए अग्रभाग भाग को F से सूचित किया जाता है, शीर्ष को आपको E से सूचित किया जाता है, किनारा को E से सूचित किया जाता है, इसको भी से ठीक है, तो आप जरा गौर करिएगा कि F और B का योग जो है, F और B का जो योग है E से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, देखिए गौर से देखिए, देखिए अग्रभाग मतलब फलक और शीर्ष का योग 8 6 14 और ये किनारा 12 है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, उसी प्रकार से यहां भी देख लीजिए अग्रभाग, उसी प्रकार से एक बहुफलक है जिसका अग्रभाग 10 देल है, मतलब F का मान कितना देल है 10, अब प्लस उसके बाद 23 किनारा है, किनारा है 23, अभी पूछ रहा है, पूछ रहा है कि शीर्षों की संख्या क्या होगी, शीर्षों की संख्या, तो भी बराबर 23 + 2 हो जाएगा, देख लीजिए फलक 6, ये आपको याद रखना है, घन या घनाभ में फलकों की संख्या 6 होता है, शीर्ष 8 होता है, किनारा 12, देख लीजिए F प्लस B बराबर E प्लस 2 होता है, देखिए ये 12 है ना, तो 12 + 2 करेंगे तबे ना 14 के बराबर होगा, तो यहाँ पर 23 + 2 25, तो भी का मान पूछ रहा है शीर्ष की संख्या 23 + 2 25 में से 10 घट जाएगा, 25 में से 10 घटेगा, कितना आ जाएगा 15, क्लियर है, बस उसी से तुलना करके निकाल दिए, तो यहाँ शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1197, तो परसेंटेज का मजेदार क्वेश्चन है, किसी राशि में पहले एक्स परसेंट वृद्धि और उसके बाद एक्स परसेंट कमी, या पहले एक्स परसेंट कमी या बाद में एक्स परसेंट वृद्धि, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की कमी होती है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ बोल रहा है पहले 20% कम कर दिया गया है और बाद में 20% बढ़ाया गया, देखिए दोनों बात सेम ही, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 20² / 100% की कमी हो जाएगा, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4% आ जाएगा, 4% कमी, देखिए 20² = 400 400 = 104, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 4% की कमी, ऑप्शन से मिला लीजिए 4% कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1198, तो बहुत बार ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, a प्लस 1 बाई a बराबर 8 है, तो ये q प्लस 1 बाई a q का मान आप जानते हैं, क्यूब करके 3 घटा देना है, मैंने 8 3 - 8, क्लियर, 8 3 = 512 - 8 = 24, 512 में से 24 घटाइए तो कितना बचेगा 488 बचेगा, क्लियर है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि a x प्लस 1 में x का मान ये हो, तो x क्यूब + 1 में x क्यूब का मान, यहाँ पे q ही है, a q - 3 होता है,
मानक भी हम लोग का माना गया 488 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1199। अब ये तो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन हो गया। बोला क्या कि अल्फा का मान 45 हो तो सभी छह त्रिकोणमितीय को निष्पत्तियों के अनुपातों का मानों का योग क्या होगा। तो निकाल लीजिए, जैसे अल्फा है तो पहले साइन 45, साइन अल्फा साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, फिर कॉस 45 तो कॉस 45 का मान भी 1/√2, फिर टैन 45 तो टैन 45 का मान 1, फिर कॉट 45 तो कॉट 45 का मान भी 1, फिर कॉसेक 45 तो कॉसेक 45 का मान √2, और फिर सेक 45, सेक 45 का मान भी √2। अब सबका योग पूछ रहा है तो करना क्या है, जोड़ दो √2 हो गया, और एक का एक प्लस कितना हो गया 2, और प्लस 1/√2 जोड़िए तो 1/√2 जोड़ेंगे, √2 कॉमन ऊपर हो जाएगा 2, इसको भी काट देंगे तो √2। अब 2 √2 √2 3 √2 मतलब 3√2, आइए प्लस 2 तो अलग हो गया, यानी फाइनली जोड़ के आ गया कितना, ये दोनों जोड़ के आया कितना √2, ये दोनों जोड़ के आया 2, ये दोनों जोड़ के कितना आया 2√2 मतलब 3√2 और प्लस 2, बस यहां पर जोड़िए या यहां पे जोड़िए, हम लोग का आंसर हो गया 3√2 + 2, या इसी को लिख दिया 2 + 3√2। ऑप्शन नंबर बी देखिए, लिख दिया 2 + 3√2, जब पल्स में है तो कोई पहले लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1200, और बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला, देखिए निश्चित रूप से 100% समझ में भी आएगा, आप इजी में बना भी सकते हैं, सिर्फ एक फिगर बनाना है। कहता है ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंब वृत्तीय बेलनाकार, ये देखिए ये मध्य भाग हो गया, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार इस प्रकार से बना हुआ है, बना दिए, बस फिगर बनेगा, आंसर तैयार। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, जिसका लंबाई क्या है 14 है, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई कितना है 14 है, 14 सेंटीमीटर, क्लियर। अब कहता है बेलनाकार का एक छोर लंब वृत्तीय शंकु है, चलो अब ऊपर या नीचे किधरो ले लो, चलो नीचे ही ले लेता हूं, एक छोर लंब वृत्तीय शंकु है तो इसका भी आधार तो यही हो जाएगा। अब शंकु है, एक छोर लंब वृत्तीय शंकु है और दूसरा छोर गोलार्ध है, इस प्रकार से ये देखिए, ये इस प्रकार से, और क्वेश्चन आगे भी आएगा आपको, इस प्रकार से गोलार्ध है एक दूसरा छोर, सभी तीनों आकारों की त्रिज्या 3 ही है, मतलब त्रिज्या 3 ही है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर, तो निश्चित है यहां से यहां भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु की कुल लंबाई, मतलब पूरा यहां से कुल लंबाई 21 सेंटीमीटर, हमने क्वेश्चन ही कह रहा कि कुल लंबाई जो दिया हुआ है यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर में ठोस वस्तु का क्षेत्रफल, घन सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहिए, वर्ग सेंटीमीटर में ठोस वस्तु का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का जो यूनिट वर्ग होता है, घन सेंटीमीटर गलत लिख दिया, घन सेंटीमीटर तो आयतन होता है, तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। देखिये ये पूरा यहां से आया 21 है, जिसमें ये भाग 3 हो गया, बोलिए ये तो लिखा हुआ नहीं, पता कैसे चला, तो अर्धगोला में ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या ही होगा, तो त्रिज्या 3 है तो ये भी 3, पूरा यहां से यहाँ की जो ऊंचाई है 21 है, जिसमें 14 और 3 17 17, तो ये कितना बच गया, तो बोले सर 4 बच गया, क्लियर। अब ये 4 बच गया तो देखिएगा, ये 3 है और ये वाला 4 है, तो ये वाला तिरछी ऊंचाई कितना होगा, तो बोले सर तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 4 5 3 4 5, ये वाला 4 है, ये बीच वाला ऊंचाई, तो ये तिरछी ऊंचाई कितना हो गया 5, बोले तिरछी क्यों निकाले, तो देखिए आपको अभी पता चल जाएगा, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा का क्षेत्रफल में जोड़ देते हैं, और क्या क्या जोड़ देते हैं, अर्धगोला प्लस बेलन और प्लस शंकु, जोड़ दीजिए, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr² 2πr² 3 के स्क्वायर, फिर आइए चूंकि अर्धगोला से बाहर वाला भाग है तो 2πr² प्लस फिर बेलन, तो बेलन होता है 2πr² 2πr कितना 3, ये बेलन की ऊंचाई कितना है 14, अब प्लस शंकु, तो शंकु पाई आर एल होता है, पाई आर कितना है 3, एल एल माने तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितना निकला 5 5, देखें 3 4 तो ये कितना 5, तो यहां पे अब क्या है जोड़ दो, और क्या पाई के रूप में ही आंसर दिया, हाँ आंसर पाई के रूप में, 3 3 9 2 18 पाई प्लस 14 3 42 2 84 पाई प्लस 5 3 15 पाई 15 और 18 33 33 और 84 में जोड़ेंगे, जैसे 84
और 18 ही जोड़ दिए तो हो जाएगा 102, 102 और 15, 117 पाई हम लोग का आंसर आ रहा है। इसको जोड़ दीजिए, ऐसे भी 8 4 12 5 17 के साथ हो गया, और बचा कितना, एक एक का एक दो, आठ दो दस, एक ग्यारह, 117 पाई। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बारीकी से 100% समझ में है, कुछ नहीं बस सिर्फ फिगर लंबा है और बारी बारी से सबको समझ के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना है। तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल आया 117 पाई वर्ग सेंटीमीटर, घने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 100% समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम टेकन है, उसमें आपको समय देना पड़ेगा समझने के लिए, और यही आपका प्लस पॉइंट होगा क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो सभी विद्यार्थी से बनते हैं। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, जितना ज्यादा चूंकि आप देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लाइक जरूर करिए ताकि हमें लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मैं आपके लिए मेहनत करते रहूं। जितने आपके जानकारी में विद्यार्थी है प्लस नए विद्यार्थी को भी आप लिंक सेंड कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लिए लेंगे, उनके लिए भी सभी बुक का सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर दिया हूं। अब नेक्स्ट से डेली उनका भी कैलकुलेशन प्लस जितने भी बुक के बारे में मैंने बताया चाहे वो नवीन अंगनी तो मैच में से सभी का सोल्यूशन होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, नए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।